रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे और मजे में होंगे। आज की वीडियो पेनियर के रिलेटेड, के पेनियर का अकाउंट वेरीफाई किस तरह से करना है, खासकर उसके ऊपर ही बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? उनका पिछला जो मैंने अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, कई दोस्तों को उसमें मसला आ रहा है, उनकी चेकबुक के ऊपर जो है चेकबुक लगाने से जो वेरिफिकेशन वो नहीं हो रही थी। तो आज की वीडियो जो बना रहा हूँ ये स्पेशली उसी के रिलेटेड है और उसकी डिटेल्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कई लोगों को कमेंट के अंदर भी उसमें बताया कि यार किस तरह से इसको ना आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अब स्पेशल उसी के ऊपर बनाई है ये वीडियो, ठीक है। इसीलिए बनाई ताकि बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से अकाउंट को वेरीफाई करना है, और बहुत सिंपल तरीका कार है, कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहा करें और आपको परेशानी ना हो, टेंशन ना हो ना, जो भी कंटेंट है वो आपको बर वक्त मिलता रहे, ठीक हो गया। तो मेन चीज़ आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, वीडियो छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये वाली। पेनियर लोग जानते हैं तो पेनियर के बारे में मेरी दूसरी वीडियो है, पेनियर अकाउंट क्रिएट करने के रिलेटेड, क्रिएट किस तरह से करना है और देन वेरीफाई किस तरह से करना है ये उसके बारे में। वेरिफिकेशन के लिए आप सिंपल अपने बैंक जाएंगे, बैंक जाके बैंक वालों कहेंगे भाई मेरा ये अकाउंट है, मुझे इसकी स्टेटमेंट निकाल के दो, ठीक है। अब हार्ड कॉपी में, ये जहन में रखना, हार्ड कॉपी में आपकी कोई ट्रांजेक्शन है नहीं है कोई मसला नहीं है, आपकी ट्रांजेक्शन एक भी नहीं है हमें कोई उससे इशू नहीं है, या पेनियर को उससे कोई इशू नहीं है। पेनियर को क्या चाहिए? हार्ड कॉपी विद स्टैम्प, वो चाहिए ताकि उससे आपका वो वेरिफिकेशन कर सके। मैं आपको थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, डेमो से क्या मतलब है कि मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाई, ये सामने आपको स्क्रीन की आ रही है, ठीक है। अब ये बैंक स्टेटमेंट है, हाँ सीधी आ रही है, सॉरी। इसके नीचे ये जो चीज़ है, जो मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि बैंक स्टैम्प, ठीक है, बैंक स्टैम्प लाजमी है। कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है आपका, परफेक्ट मनी का हो, पेनियर का हो, कहीं भी आपने वेरिफिकेशन करनी है अपनी, तो वेरिफिकेशन के लिए वो एक चीज़ चाहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी वेरीफाइड हो। अब आप अगर मोबाइल में से अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालते हैं तो उस पर ये स्टैंप नहीं होगी, जो स्टैंप यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये स्टैंप नहीं लगी हुई होगी। और वो इलेक्ट्रॉनिक, उसको कॉपी हम कहेंगे, ये हार्ड कॉपी है, इसको हार्ड कॉपी कहते हैं, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉपी या सॉफ्ट कॉपी कह सकते हैं, ठीक है। उस पर वेरीफाई नहीं करेंगे आपको ये लोग, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई भी प्लेटफॉर्म है वो मसला करेगा, कोई ना कोई इशू बनाएगा। लेकिन ये एड्रेस वेरिफिकेशन आपकी वेरिफिकेशन के लिए, ये आप बैंक से लेंगे स्टेटमेंट, ठीक है, बैंक को कहेंगे भाई मुझे स्टेटमेंट दो, उनसे जाके स्टेटमेंट लेके ये स्टैम्प के साथ उनको कहना है बकायदा कि हमें यार फ्रंट पे आप स्टैम्प लगा के दो। मैं गया हूँ, मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे ना ये लास्ट पेज के ऊपर यहाँ स्टैंप लगा के दे दिए, आखिरी पेज के ऊपर। अब ये ढेरों पेज है यार, इतने सारे पेजेस हैं, पता नहीं कितने ही आ रहे हैं आपके सामने, मैं काउंटिंग करने लगी हूँ तो वैसे थक जाऊँगा यार, ठीक है। अब ये मैंने उनको कहा कि यार इस पर कुछ भी नहीं है, लास्ट पे कोई चीज़ नहीं, उन्होंने स्टैंप लगा के दे दी। मैंने कहा भाई मुझे फ्रंट पेज के ऊपर लगा के दो, मैंने वेरिफिकेशन करनी है। तो फ्रंट पेज के ऊपर मैंने यहाँ पर स्टैंप लगवाई, बैंक की स्टैंप लगी, मैंने आगे इसकी पिक्चर बनाई, साफ सी क्लियर सी पिक्चर बनाई। और कोशिश करना दिन की रोशनी में बनानी है, डे टाइम में, डे लाइट के अंदर। अगर आप रात में बनाएंगे तो बल्ब वगैरह रोशनी, मोबाइल ऊपर से मोबाइल का आ रहा होगा, साया आ जाता तो सही नहीं आता। डे लाइट के अंदर आप बाहर रखें इसको, टेबल वगैरह के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर, और पिक्चर बनाए, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आएगी। क्लियर पिक्चर आने के बाद इसको आप लोग अपलोड कर दें वहाँ एड्रेस वेरिफिकेशन के अंदर। भाई मेरा एक अकाउंट था जिसकी वजह से मैंने ये करना, मैं परफेक्ट मनी का अकाउंट वैसे किया था वेरीफाई, एक दोस्त का था, उसका हमने स्टेटमेंट निकलवा के की पेनियर का, तो हमें जस्ट इन 10 मिनट्स फ़ौरन ईमेल आ गया कि भाई आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है, आपका एड्रेस वेरीफिकेशन जो कम्प्लीट हो गई है। दूसरी चीज़ जो आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन होती है, आईडी कार्ड आपने खुद अपना जो है स्मार्ट कार्ड, इसको कहते हैं इंग्लिश आईडी कार्ड कह लें, स्मार्ट कार्ड कह लें, उर्दू वाला बहुत मुश्किल है, कभी कभी एक्सेप्ट हो जाता है, ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं होता उर्दू वाला। तो कोशिश करें अपना स्मार्ट कार्ड बनवाएं, या अगर आपके पास उर्दू वाला तो उसको चेंज करा के स्मार्ट कार्ड वैसे कहते हैं, इंग्लिश कार्ड भी कह देते हैं, इंग्लिश कार्ड यानी कि इंग्लिश में भी हो, साथ आपका उर्दू में बेशक लिखा हो लेकिन इंग्लिश में लाजमी लिखा हो, क्योंकि इंटरनेशनल जब भी हम कहीं पर कोई चीज़ वेरिफिकेशन करेंगे तो हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें इंग्लिश वाली हर चीज़ चाहिए, तो इंग्लिश वाली हो, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं कोई स्क्रीन पे नहीं जा रहा इस वीडियो में आपको यही चीज़ समझाना चाह रहा था, और ये चीज़ आपको मैंने बता दी है कि स्टैंप वाली हार्ड कॉपी लेंगे बैंक स्टेटमेंट की, और इससे आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन फ़ौरन हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।